क्या शरीयत कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों की यकजहती में दरार पड़ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने अपोजिशन की बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा आज पीएम नरेंद्र मोदी के पार्लियामानी हलके वाराणसी जाएंगी। प्रियंका का शहरियत कानून और एनआरसी की मुखालफत में जेल जाने वाले लोगों से मुलाकात का प्रोग्राम है। कांग्रेस शहरियत कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। 13 जनवरी को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने दिल्ली में अपोजिशन जमातों की बैठक बुलाई है, लेकिन मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इस बैठक के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। ममता ने कहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट इन दिनों गंदी सियासत कर रहे हैं। इस बीच मुंबई में साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा और एनसीपी सदर शरद पवार ने शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ शांति यात्रा का आगाज कर दिया है। शांति यात्रा 6 रियासतों में 3000 किलोमीटर चलकर 30 जनवरी को दिल्ली में इख्तिताम पजीर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमूल के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जेर इल्तवा सीए के आईनी जवाज को चुनौती देने वाली अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से इल्तजा की गई थी कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जेर इल्तवा सीए के आईनी जवाज को चैलेंज देने वाली अर्जियां सुप्रीम अदालत में ट्रांसफर की जाएं। समाअत के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में उसका मौकिफ है कि सीए से मुतालिक अर्जियां हाई कोर्ट देखे और इत्तेफाकी राय न होने पर सुप्रीम कोर्ट उन पर गौर खौज करे। मरकज की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल ने इस दौरान कहा था कि अलग अलग हाई कोर्ट्स के मौकिफ अलग अलग हो सकते हैं, जिससे दिक्कत पेश आ सकती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सभी जेर इल्तवा मामलों की समाअत हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। और शरीयत कानून के खिलाफ मुजाहरे की वजह से हैदराबाद में तिरंगे की कमी हो गई है। यौमे जमहूरिया की वजह से तिरंगे की मांग ज्यादा है, ऐसे में इसे बनाने वाले दिन रात जुटे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शरीयत तरमीमी कानून को लेकर चल रहे एहतजाजी मुजाहिरों में तिरंगे का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि 26 जनवरी से ठीक पहले इसकी कमी हो गई है। तिरंगे की सप्लाई करने वाले लोगों का कहना है कि पहली बार यौमे जमहूरियत पर झंडे की कमी हुई है। लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं इसके चक्कर में जो रिक्वायरमेंट आ गया, मैं तो एग्जांपल मैं समझ रहा हूँ कि रिपब्लिक डे का तो छोड़िए, अगर इंडिपेंडेंस डे का भी अगर मेटल रेडी होता तो वो भी सोल्ड आउट हो जाता था। आज AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी शहरियत कानून के खिलाफ साइबराबाद में तिरंगा रैली करेंगे। ओवैसी ने 25 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया है। मतलब कि जितना डिमांड है कि हम लोग की सोच के बाहर है डिमांड, हम लोग रेडी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि डे नेट वर्क के बावजूद भी जितना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तिरंगा रैली से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क का 41% पैसा आला जात के हिंदुओं के पास है, जबकि मुसलमानों के पास महज 8% है। दुकानदारों का कहना है कि शरीयत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू होने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10 लाख झंडे बेचे जा चुके हैं। सिर्फ हैदराबाद में 3 लाख से ज्यादा तिरंगा बेचा गया है। दुकानदारों की माने तो पार्टियों के झंडे से ज्यादा तिरंगे की डिमांड है। और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में तिरंगे झंडे दिखेंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा झंडे लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। और जितने में झंडे ऑर्डर दिया अभी उतने झंडे तो कर रहे हैं ये लोग, अभी काम बहुत ज्यादा काम हो रहा है। दुकानदारों का मानना है कि जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आएगा तिरंगे की मांग में और ज्यादा तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। की हुकूमत चैन की नींद सो रही है। जी मीडिया के लिए फरीना खान के साथ दिल्ली से शेब रजा की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में सीएए की मुखालफत में हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे में शामिल लोगों पर इंतजामिया ने शिकंजा कस दिया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने सरकारी अमलाक के नुकसान की भरपाई के लिए 27 लोगों को नोटिस जारी किया। जिन लोगों को नोटिस दिया गया था उन्हें इंतजामिया के अफसरान के सामने अपना जवाब देना था, जिनमें से 13 लोगों ने नोटिस का जवाब दिया और खुद को बेकसूर बताया, जबकि बाकी नदारद रहे, जिनके खिलाफ फिर से जांच कर कार्रवाई हो सकती है। 20 तारीख को घटना हुई थी, इसको लेकर जो थाना सिविल लाइन 27 लोगों की सूची आई थी, उनमें 27 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। उसमें लगभग आज 12 से 15 लोग उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है, और उसमें से कई लोगों ने अपने को फोटो में पहचाने से इनकार किया है,
और मौके पे मौजूद न रहने का भी दावा किया है। उनको पुनः सोमवार को बुलाया गया है और एसओ से भी आख्या मांगी गई है कि जो इनके फोटोग्राफ्स हैं उसका पुनः मिलान कर लें और वीडियो के माध्यम से 11 तारीख को आख्या प्रस्तुत करें ताकि समयबद्ध रूप से इसका निपटान किया सके। ब्रेक के बाद इस वक्त की अहम खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर आज बड़ा दिन है। आजकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आयद पाबंदियों के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। एनएल इजरान के आने जाने की पाबंदी, इंटरनेट पर बैन समेत कई अर्जियां शामिल हैं। 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था और मरकज की जेर इख्तदार रियासत बना दिया था। तो आज इसी पर समाप्त है। सुप्रीम कोर्ट में जो पाबंदियां नाफिज की गई थी उन पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इसमें नजरबंद लीडरान के आने जाने पर पाबंदी हटाने, इंटरनेट पर लगे हुए बैन को हटाने जैसी कई दीगर अर्जियां हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली। और इस बेहद अहम खबर पर हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं मजीद मालूमात लेकर। शुएब, सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगने के बाद लगाई गई तमाम तरह की पाबंदियों को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई थी उन पर फैसला सुनाने वाला है। इसमें लीडरान के कहीं आने जाने और इंटरनेट पर लगे हुए बैन को हटाने जैसी कई अर्जियां शामिल हैं। शुएब, जरा तफसील से बताएं हमारे नाज़रीन। हाँ बिल्कुल मुमताज, देखिए बड़ा अहम दिन है कश्मीर के लिए खास तौर पर, क्योंकि जब से 370 हटा है उसके बाद से ही कई तरह की, क्योंकि पाबंदियां वहां पर है, इंटरनेट पर पाबंदी, इसके अलावा फोन कॉल करने पर भी पाबंदी रही है। हालांकि कुछ जगहों पर अब लैंडलाइन और दूसरे तरीके के जो फोन है उसको खोला गया है सरकार के जरिए, लेकिन तब भी नेताओं के जो बड़े नेता है उनके आने जाने पर पाबंदी रही है। और गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े जो नेता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिस पर सुनवाई हुई काफी दिनों तक, और उसके बाद आज ये डिसाइड किया गया था, आज का दिन मुकर्रर किया गया कि फैसला आएगा कि दरअसल 370 हटने के बाद जो पाबंदियां वहां पर लगाई गई थी वो क्या सही थी और क्या उन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला है आज आने वाला है। ये उम्मीद की जा रही है कि 10:30 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, यानी कि कुछ ही मिनट बचे हैं अब फैसला जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो पढ़ना शुरू करेंगे, वो बताएंगे कि दरअसल उनकी नजर में जो पाबंदियां है वो किस तरह की थी। इसको लेकर कई तरह के जो कयास है, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही देखना होगा कि दरअसल किस तरह का की बातें उसमें कही जाती है, लेकिन तब भी कई तरह के कयास भी कई जो कानून के जानकार है वो लगा रहे हैं, क्योंकि कई अहम टिप्पणियां या कई अहम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा सकती है आज के फैसले में, जिसको लेकर जो अपोजिशन है वो अपनी तरीके से उनका मतलब निकालने की कोशिश करता कर सकता है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी बातें इस सिलसिले में रखी जा सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार ये कहती रही है कि जब से 370 हटाया है तो ये पाबंदियां, क्योंकि पहले भी जब सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान इस तरह की बातें सामने आई कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये पाबंदियां इसीलिए लगाई गई थी तमाम तरह की ताकि वहां पर किसी भी तरह का तशद्दुद ना हो, क्योंकि इस तरह के इम्कानात थे वहां पर कि 370 हटने के बाद वहां तशद्दुद हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, इसीलिए सरकार ने पहले से इस तरह के कदम वहां पर उठाए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई कि अभी अभी भी, क्योंकि सरकार ये कहती है कि एक एक गोली भी वहां पर नहीं चलाई गई, किसी की मौत नहीं हुई जब से 370 हटी है इस तरह के तशद्दुद में। तो कुल मिलाकर इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इन तमाम पाबंदियों को लेकर क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि अब जम्मू जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए या लद्दाख की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश वो बन चुके हैं सरकार की तरफ से जब से 370 वहां पर हटाई गई है। तो कुल मिलाकर पूरे देश की नजर या कश्मीर के जो लोग हैं उनकी भी नजर खास तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी है कि दरअसल कोर्ट की तरफ से पाबंदियों को लेकर क्या जो फैसला है वो आता है और क्या क्या जो टिप्पणियां है वो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाती है। कुछ देर का और इंतजार करना होगा। अंदाजन देश की किस सबसे बड़ी अदालत ये समाप्त शुरू हो जाएगी शुएब आज सुप्रीम कोर्ट में अंदाजन? देखिए आज सिर्फ फैसला आना है, जो सुनवाई थी वो मुकम्मल हो चुकी थी पहले से ही और आज का जो दिन है वो फैसले का दिन है इन तमाम चीजों को लेकर। यही वजह है कि सबकी निगाहें इसी देश की सबसे बड़ी अदालत पर है। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 10:30 बजे के बाद 11 बजे से पहले ही शायद फैसला
जो है वो कोर्ट की तरफ से सुना दिया जाएगा। अब आगे और कुछ बदलाव होता है तो थोड़ा देखना होगा, लेकिन अभी जो वक्त है वो 10:30 बजे के बाद ही मुकर्रर है कि जो फैसला है वो आ जाएगा और किसी तरह की जो सुनवाई, तमाम तरह की, तमाम जो दलीलें हैं, तमाम जो भी बातें हैं वो इस मामले में पहले ही रखी जा चुकी थी। आज फैसला आना है और चाहे इंटरनेट पर पाबंदी हो या नेताओं के आने जाने पर पाबंदी रही हो या दूसरे जो मसले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नेता है, खासतौर पर चाहे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तमाम बड़े नेताओं की बात करें, उनको नज़रबंद किया गया लंबे वक्त से। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की जो बातें होंगी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बड़ा अहम रहने वाला है। यकीनन सरकार इस तरह की उम्मीद इस फैसले से कर रही है कि उनको एक तरीके से राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलेगी, उनके जो फैसले हैं सरकार के या संसद की तरफ से, क्योंकि संसद में ये प्रस्ताव पास हुआ था 370 को हटाने का, तो तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की भी निगाह आज सुप्रीम कोर्ट पर है और अपोजिशन की भी और देश के लोगों की भी। जाहिर है शुएब, बड़ा दिन है आज जम्मू और कश्मीर के हवाले से खास तौर से, तो क्या इस बड़े और अहम फैसले को देखते हुए कुछ इजाफी एहतियात जम्मू और कश्मीर में बरती गई है क्या? पहले से ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 370 का हटना ही जम्मू कश्मीर के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा फैसला था, तो तभी से वहां तो सुरक्षा के बहुत ज्यादा इंतजाम है। हालांकि जो माहौल है उसको देखते हुए कुछ देर दिनों पहले मरकजी हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया था कि कुछ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको वापस बुलाया जाए, क्योंकि वहां पर जो हालात है वो बेहतर हो रहे हैं, पहले से ज्यादा जो है वो बेहतर है। तो कुल मिलाकर वहां अलग से कोई इजाफी इंतजाम पहले से ही है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ 370 हटने के बाद से ही लगातार सुरक्षा व्यवस्था है या सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी तैनाती बहुत ज्यादा है और हर तरह की किसी भी तरह का एक तरीके से कहे कि कोई भी गलत इरादे से कोई काम ना वहाँ करे जिससे वहाँ का माहौल खराब हो, इस तरह से चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो या जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उनकी तरफ से वहाँ एहतियात बरते गए हैं। आज का फैसला एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉरली या मनोबल के लिए भी अपोजिशन या सरकार या तमाम लोगों के लिए कोर्ट का फैसला वो ज्यादा अहमियत रखता है कि दरअसल ये पाबंदियां जायज थी या अलग तरीके से कोई कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन कोर्ट में जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि तमाम चीजें जरूरी थी ताकि वहां पर तशद्दुद ना हो, और दलीलें जो रखी गई है वो इसी तरह की रखी गई है कि तभी माहौल वहां पर एक तरीके से शांत रहा, अमन के साथ वहां पर जो अमन है वो बरकरार रही इन्हीं तमाम पाबंदियों की वजह से। और सरकार की तरफ से फिर ये भी कहा गया कि अब किसी भी तरह की जो चीजें हैं, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, वो तमाम खुल रही है। जी शेर, आपने देखा पिछले महीने ही फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को 3 महीने मजीद बढ़ाया गया। इससे पहले 3 महीने नजरबंद रहे तमाम लीडरान, फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को 3 महीने और बढ़ाया गया। और इस सब के बाद इंटरनेट पर जो बैन है शेब, वो सबसे ज्यादा तलबा की पढ़ाई को मुतासिर कर रहा है। इस तरह की शिकायतें तलबा ने वहां पर की, तो आज का दिन लीडरान के हवाले से भी और जम्मू और कश्मीर के तलबा के हवाले से भी काफी मायने रखता है। देखिए, एक चीज ये हमें महसूस भी करनी होगी मुमताज, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर का जो मसला है वो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से अलग है, क्योंकि वहाँ पर शांति व्यवस्था को बहाल करना भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंटरनेट अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में बंद रहा, एक एक हफ्ते तक वहाँ पर जो इंटरनेट सेवा है वो रद्द रही, जब CA और NRC के खिलाफ वहाँ पर मुजाहरे हुए थे, तो वहाँ किस तरह के हालात रहे कि तकरीबन 5 से 7 दिनों तक जो सूचनाएँ थी, जो जानकारियाँ थी, उनका आना और जाना बिल्कुल बंद हो गया। और मैं भी उस दौरान पश्चिम वेस्ट UP गया था, तो हमने भी महसूस किया कि इंटरनेट का बंद होना अभी जो मौजूदा एक तरीके से कहे कि जिंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत इंटरनेट की हो गई है, चाहे जानकारी के लिहाज से हो या फिर हम दूसरी है। दिल्ली में भी 2-3 घंटे का इस तरह का हुआ था कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। एक दिन जब लाल किले पर प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी हमने महसूस किया कि वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो कश्मीर में तो इतने दिनों से इंटरनेट बंद है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है और इस बात को लेकर लगातार आवाजें उठी है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है
कि वो बहुत जरूरी था, अगर इंटरनेट वहां पर बंद नहीं होता तो वहां हिंसा भड़क सकती थी, इसलिए एहतियातन तमाम तरह के कदम उठाए गए। लेकिन हमें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा कि वो इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहता है, उसके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है और क्या जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमाम के लोगों की नजर चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है आज जम्मू कश्मीर के इस अहम मामले में, ये देखने वाली बात होगी। और क्या इसके बाद फौरन मामूल पर आने लगेंगे जम्मू और कश्मीर के हालात, ये वाकई अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर, बहुत शुक्रिया। और इस बीच अहम खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में। जम्मू कश्मीर को लेकर आज बड़ा दिन है, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आयद पाबंदियों के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इनमें लीजान के आने जाने की पाबंदी, इंटरनेट पर बैन समेत कई दीगर अर्जियां शामिल हैं। बता दें आपको कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था और इसे मरकज की जेर इख्तदार रियासत बना दिया था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की थी और आज फैसला सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अदालत उज़्मा ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। रियासत के हवाले से बेहद अहम खबर है ये। इंटरनेट से पाबंदियां हटाने और लीडरान के आने जाने से पाबंदियां हटाने के सबब ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने हमें बताया था चंद मिनट पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फैसला सुनाया जाना है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, जल्द तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अदालत ने फैसला सुनाना शुरू किया है, क्या अहम फैसला होगा अदालत का ये, आज रियासत के हवाले से क्या खबर सुनने को मिल रही है रियासत के लोगों को? हाँ बिल्कुल, देखिए मुमताज, फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है जज की तरफ से। और बड़ी जो टिप्पणी अब तक हमें जो पता लगी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इंटरनेट पर जो इंटरनेट की जो जो इंटरनेट की अगर सहूलियात है वो अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टिप्पणी सरकार के खिलाफ जाती है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट पर पाबंदी है और पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त से वहाँ पर पाबंदी है। और अगर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि इंटरनेट पर का इस्तेमाल करना या इंटरनेट का यूज़ करना अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है, तो यकीनन सरकार के खिलाफ ये टिप्पणी अभी तक जाती हुई दिख रही है। लेकिन अभी फैसला क्योंकि शुरुआत में पढ़ा जा रहा है, हमें इंतजार करना होगा और तमाम जो भी टिप्पणियां है उस पर देखना होगा कि संदर्भ में कही गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर चार या पांच जो क्वेश्चन है फ्रेम किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है शुरुआत में ही कि इसी के इर्द गिर्द जो फैसला है वो इन सवालों के जवाब या इन तमाम चीजों को लेकर वो फैसला सुनाने वाले हैं। तो उसी तरह से फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पढ़ा जा रहा है और सबका जो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। लेकिन इंटरनेट को लेकर ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कही गई है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में ये बात कही जा रही थी, कश्मीर में इतने दिनों से इंटरनेट बंद है और सरकार की तरफ से ये दलील दी गई थी उस सिलसिले में। अभी तक की अगर बात की जाए कि ये तमाम जो चीजें हैं, अगर इंटरनेट बंद वहां पर नहीं किया जाता तो हिंसा और तशद्दुद वहां पर हो सकता था। लेकिन मैं जिस तरह से थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि जो मौजूदा दौर है बिना इंटरनेट के बहुत मुश्किल है, सूचनाओं की जानकारी का जो आदान प्रदान है वो रुक जाता है पूरी तरह से, बहुत सारा जो काम है हम खुद भी जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, नौकरी हो दूसरी तमाम तरह की चीजें, वो पूरी तरह से मुतासिर होते हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इन पाबंदियों को लेकर आज देखना होगा और किस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जाती है। मुमताज जी, ठीक कहा आपने, ये बुनियादी हक है मुल्क के शहरियों का शुएब, और इसीलिए इंटरनेट को लेकर ये बड़ा कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी किया है। शुएब, जब तक अदालत उज़्मा पूरा फैसला अपना सुनाए, इस बीच हम ये जानना चाहेंगे शुएब आपके जरिए कि वो जो मेजर पेटिशनर्स हैं इस पूरे मामले में, अर्जी गुजार हैं जो मेन, वो कौन कौन है इस मामले में?
देखिए जाहिर सी बात है मुमताज, एक चीज और यहाँ पर सामने आई है अभी जो हमें जानकारी मिली है कोर्टरूम के अंदर से, प्रेस की आजादी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्योंकि कुछ जो पत्रकार है कश्मीर के वो भी पाबंदियों को लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि गुलाम नबी आजाद और तमाम जो दूसरे नेता है वो तो नेताओं की के आने जाने पर पाबंदी और इंटरनेट की पाबंदी, इन तमाम चीजों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन कुछ प्रेस के लोग भी मीडिया के लोग भी पहुंचे थे, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी टिप्पणी ये की गई है कि प्रेस की आजादी भी बहुत जरूरी है, प्रेस की आजादी बेहद जरूरी है किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए। लेकिन वहां पर इस तरह के सवाल उठे कि वहां अखबार को बंद कर दिया गया था, तमाम तरह की जो बातें हैं वहां नजर आए, तो कोर्ट की ये भी टिप्पणी अभी सामने आई है, अभी और भी बातें निकलकर सामने आएगी यकीनन, उन तमाम चीजों पर निगाह बनी हुई है, लेकिन जो दो बड़ी बातें अब तक सामने आई है उसमें जहां इंटरनेट पर पाबंदी का मामला हो तो उस पर भी एक तरीके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की है कि ये अभी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इंटरनेट पर पाबंदी सही नहीं है, यही इशारा दिया है। उसके अलावा प्रेस की आजादी को लेकर भी ये कहा है कि प्रेस की आजादी किसी भी जमहूरी मुल्क में बहुत जरूरी है, तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक जानकारी सामने आई है, अभी फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है पिछले कई मिनट से, और सबकी निगाहें हैं कि दरअसल और क्या तमाम चीजें इस सिलसिले में निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि कई नेता, कई प्रेस से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा कश्मीर के भी जो लोग हैं वो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और लंबे वक्त तक इस पर सुनवाई भी हुई और आज फैसले का दिन मुकर्रर किया गया जो फैसला पढ़ा जा रहा है। मुमताज जी ठीक काशिब, आपने सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कई अहम कमेंट किए हैं, आजकल 19 के तहत मुल्क के शहरियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जानी चाहिए, कोर्ट ने यह भी कहा शुएब कि सियासत में दखल देना हमारा काम नहीं है और आजादी और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी तहफ़ के बीच बैलेंस होना जरूरी है। ये तमाम कमेंट हैं जो अभी इस फैसले के दौरान कोर्ट की जानिब से किए जा रहे हैं। शुएब मुमताज, एक चीज और यहाँ पर सामने आ रही है इस वक्त जो मैं बता दूं अपने नाज़रीन को भी और आपको भी कि इंटरनेट को लेकर एक बड़ी बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही है अभी, उसमें कहा है कि जो भी पाबंदियां हैं जिन जिन हिस्सों में इंटरनेट को लेकर उसकी समीक्षा की जाए, कि जानी चाहिए समीक्षा, उसको रिव्यू करना करना चाहिए कि दरअसल क्या वो सही है क्या, क्योंकि अब तक जो चीजें सामने आती रही है उसमें यही है कि वहां पर इंटरनेट पर पाबंदी है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत ज्यादा काम वहां पर मुतासिर हो रहा है और जो जिंदगी है एक तरीके से वो थम सी गई है कश्मीर की इंटरनेट पर पाबंदियों की वजह से, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि आप रिव्यू कीजिए कि जिन जिन हिस्सों में पाबंदी है वहां कहां कहां से पाबंदियों को हटाया जा सकता है, समीक्षा उसकी करनी होगी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर दो तीन टिप्पणियां अभी सरकार के पक्ष में जाती हुई नजर नहीं आ रही है इस कम से कम कश्मीर के मामले को लेकर, तो हमें और थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि दरअसल फाइनल जो फैसला है वो कैसा आता है और पूरी पूरी तरीके से जी। शुएब अभी तक तो ये लग रहा है शुएब, अभी तक जब से अदालत उज्मा ने ये फैसला पढ़ना शुरू किया है, एक कमेंट ये भी अदालत ने इस बीच किया है कि मेडिकल सहूलियत लोगों तक पहुंचने में कोई रुकावट ना आए, किसी तरह का कि कोई मुश्किल ना पैदा आए, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मिलती रहे, लग रहा है शुएब की अच्छे साइंस है ये जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से जम्मू और कश्मीर के लोग मामूल की जिंदगी जीने से महरूम रह रहे थे। बिल्कुल देखिए मुमताज, सरकार की लगातार ये कोशिश सुनवाई के दौरान रही कि अपनी तरफ से दलील और तर्क को इस तरह से रखा जाए ताकि वो कोर्ट को कन्वेंस या कोर्ट को ये बात अपनी बता सके कि दरअसल पाबंदियां जो लगाई गई वो कश्मीर की भलाई के लिए है, लेकिन कोर्ट ने अब ये कह दिया है तमाम तरह की जो पाबंदियां है जिस तरह की भी पाबंदियां मरकज की तरफ से लगाई गई है, सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में लगाई गई है, उनको 7 दिनों के अंदर रिव्यू किया जाए। एक तरीके से बड़ी टिप्पणी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये सामने आई है कि 7 दिनों के अंदर आप देखें कि उनकी समीक्षा की जाए। तो मैं जिस तरह से पहले बता रहा था कि इंटरनेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, प्रेस की आजादी को लेकर की, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप समीक्षा कीजिए तमाम पाबंदियों को लेकर कि इतने दिनों के बाद क्या वो पाबंदियां अभी भी जायज है, क्या उनकी जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये तो आदेश ही है कोर्ट का कि 7 दिनों में सरकार को अब समीक्षा या रिव्यू करना होगा कि दरअसल
जो पाबंदियां लगाई गई है वहां पर जम्मू कश्मीर में वो कितना सही है। तो कुल मिलाकर अदालत की तरफ से भी आदेश दे दिया गया है। हालांकि हमने सुनवाई के दौरान जरूर देखा कि सरकार की तरफ से तमाम दलीलें तमाम तर्क दिए गए, लेकिन कोर्ट को एक तरीके से समझाने में सरकार इस मामले में कम से कम जो पाबंदियों का मामला है शायद उस तरह से बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई। आपने ठीक कहा शुएब, यहाँ पर कोर्ट ने एक कमेंट ये भी किया है और ये सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है ये कमेंट कि कमेटी बनाई जाए जो ये जांच करे कि जो पाबंदियां नाफिज की गई थी क्या ये जरूरी थी। ये भी एक कमेंट है कोर्ट का शुएब। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि सवाल उठते रहे हैं और सरकार जिस तरह से मैंने बताया कि सरकार ये कहती रही है कि तशद्दुद वहां पर ना हो, अमन और शांति कायम रहे जम्मू कश्मीर में, इसलिए सरकार ये कहती रही है कि वहां इस तरह की जो पाबंदियां है वो लगाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के चूंकि आदेश आ गए हैं तो सरकार को वही करना होगा जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। एक तरीके से अपोजिशन को ये मौका मिल गया है इन तमाम टिप्पणियों की वजह से, यकीनन उसका रद्दअमल आएगा कुछ देर के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि चाहे इंटरनेट की आजादी हो, इंटरनेट पर पाबंदी वहां किस हालत में लगाई, तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का एक अहम हिस्सा एक तरीके से आज इंटरनेट है, उस पर पाबंदी इस तरह से नहीं लगनी चाहिए। उसके अलावा पूरी तरीके से अगर देखा जाए और तो दूसरा प्रेस की आजादी को लेकर हो, तीसरा समीक्षा जो पाबंदियां हैं उनकी समीक्षा करने की बात कही गई हो, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से सरकार के फेवर में जाती अभी तक नजर नहीं आ रही है। तो यकीनन एक हम झटका भी कह सकते हैं इन पाबंदियों के मामले में मरकज को या केंद्र सरकार को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि इन तमाम पाबंदियों की समीक्षा की जानी चाहिए। अब सरकार की तरफ से क्या इस पर रद्दमल बाद में आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो इस सिलसिले में आ गया है। मुमताज जी, शेब सरकार के लिए लगातार मुश्किलें पैदा करने वाले कमेंट्स हैं कोर्ट के। अपोजिशन को मौका पूरा मिल गया है घेरने का सरकार को। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यहां तक कि धारा 144 लगाने से पहले भी सरकार को गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की वो यकीनन केंद्र सरकार या मरकजी हुकूमत के लिए उनके हक में नहीं कही जा सकती। ये बात जरूर है कि सरकार अपने तरीके की जो बातें हैं, जो दलील है वो रखती रही है कि दरअसल कश्मीर में क्यों इस क्योंकि जो कश्मीर का की तारीख देखे पिछले कुछ दहाइयों की, वहां पर हालात अच्छे नहीं रहे हैं और 370 हटाने के बाद, क्योंकि उससे पहले कई नेताओं ने इस तरह की बातें जो वजीर दाखिला की अमित शाह की तरफ से कहा जाता रहा है महबूबा मुफ्ती को के बयान को लेकर कि कश्मीर कश्मीर में अगर कश्मीर से 370 को हटाया जाता है तो वहां किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, तो उन तमाम टिप्पणियों का जिक्र किया जाता रहा है। लेकिन 370 हटने के बाद जो वहां पर पाबंदियां लगाई गई उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठते रहे, खासतौर पर इंटरनेट के पर पाबंदी जो लगी उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये कहा है कि इंटरनेट पर पाबंदी लगाना एक ठीक नहीं और अभिव्यक्ति की आजादी का एक हिस्सा है इंटरनेट, उसके अलावा प्रेस की आजादी की सुप्रीम कोर्ट ने बात की यहाँ पर, क्योंकि कई जो मीडिया हाउसेज है जो जम्मू कश्मीर के अखबार के से जुड़े हुए जो लोग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक तरीके से ये भी है वो लोग भी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी की है। इसके अलावा जो पाबंदियां है उसकी समीक्षा करने के भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मरकजी हुकूमत के फैसले पर एक तरीके से सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। एक बड़ी बात हमें अभी समझनी होगी मुमताज कि हिंदुस्तान एक ऐसा पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क बन गया है जहां सबसे ज्यादा बार एक तरीके से इंटरनेट पर पाबंदी लगी है और ये कई जगहों पर सवाल भी उठाए जाते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। हमने देखा कि यूपी में इस तरह के पहले कभी माहौल नहीं बना था कि इंटरनेट पर वहां पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने वहां पर भी पाबंदी देखी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश ये आया है, जो ऑर्डर आया है, क्या ये पूरे मुल्क में उसी तरह से यकीनन दूसरे जो प्रदेश है जहां पर इंटरनेट पर पाबंदी लगती है अगर कुछ भी इस तरह का माहौल होता है, तो वहां के लिए भी क्या कहीं ना कहीं सरकारों के लिए भी उनके कान खोलने के लिए काफी होगा या उनको भी समझाने के लिए काफी होगा, या तमाम चीजें इन तमाम चीजों को लेकर भी रद्दमल अब कुछ देर के बाद यकीनन आएगा।
और क्योंकि कोर्ट का फैसला है और सरकार को वो मानना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सबको मानना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा इंतजार अभी इस सिलसिले में करना होगा कि इस पर फैसले के बाद अपोजिशन की तरफ से किस तरह का रद्दअमल आता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग इंटरनेट की पाबंदियां जो झेल रहे हैं उनके लिए थोड़ा राहत की खबर है, क्योंकि सरकार अब ये समीक्षा करेगी कि दरअसल इंटरनेट पर कहां पर इंटरनेट को लेकर वहां उन पाबंदी को हटाया जा सकता है और तमाम चीज़ें, और उम्मीद ये भी की जा रही है क्योंकि सरकार ये खुद कह रही है कि माहौल वहां पर सही हुआ है, कुछ सिक्योरिटी जो फोर्सेस है उनको भी वहां से वापस बुलाया गया है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो चीज़ें हैं वहां पर कुछ बेहतर होती नजर आएगी। मुमताज इस सिलसिले में जी शेब, कहा जा सकता है कि ये जो फैसला आज अदालत उज़्मा की जानिब से सुनाया जा रहा है इस वक्त, तो उसमें आवाम की ताकत को, जमहूरी निज़ाम को मजबूती देते हुए कई कमेंट सामने नजर आए। कोर्ट ने यह भी कहा है शुएब कि लोगों को किसी बात से इत्तेफाक राय नहीं है, ये उनका हक है कि वो किसी बात से डिसएग्री हो सकते हैं, और सरकार कोई भी पाबंदी नाफिज करे उससे पहले तवाजुन कायम करे, बैलेंस कायम करे, यानी जमहूरी निज़ाम को मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है कोर्ट का ये फैसला शुएब।